डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमटी ऑनलाइन स्कूल। जेएमटी ऑनलाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे नंबर्स, यानी जैसे आप सभी और हम सभी जानते हैं कि नंबर्स है ना, इंग्लिश में लिखी जाती है, हिंदी में लिखी जाती है, रोमन में लिखी जाती है। लेकिन इंग्लिश और रोमन तो हमें पता है, लेकिन हिंदी में बहुत बच्चे नहीं जानते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं नंबर्स को तीनों फॉर्मेट में कैसे लिखी जाती है। तो जैसे आप लोग जानते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये है 10। ये तो इंग्लिश में नंबर है, और जो हम ये सभी जानते हैं इंग्लिश में नंबर्स लिखने के लिए। अब हम हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में नंबर्स कैसे लिखी जाती हैं, ठीक है। तो ये देखिए, पहले के टाइम पे जैसे आपके पिताजी या दादाजी वो हिंदी में ही लिखते थे, ये इंग्लिश में ऐसे नंबर्स नहीं लिखते थे। तो देखिए कैसे लिखते हैं, 1 ऐसे लिखा जाता है, 1, 2 ऐसे, ठीक है, 3 और यह है 4, यह है 5 और ऐसे 6, ऐसे 6, यानी कि उल्टा 3 आप लिख दीजिए, यानी ऐसे लिख दीजिए उल्टा 3। जैसे आप 3 ऐसे लिखते हैं ना, तो ऐसे नहीं लिखना है आपको, ऐसे लिख देना है। तो ये हो गया हमारा 6। और जैसे आप 6 लिखते हैं ना, वो ऐसे यहाँ लिख दीजिए 7, ठीक है। जैसे 6 लिखते हैं ना, 6 आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे 6 लिखते हैं, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है। ये ऐसा होगा 7, ये आपका हो गया 7। अब यहाँ पे 8 की बात करते हैं, तो 8 ऐसे लिखा जाता है, 8, ठीक है। आप जैसे जेड बनाते हैं ना, वैसे यहाँ पे बना दीजिए, ये हो गया 8। 9 कैसे बनाएंगे, तो 9 जैसे 8 बनाए वैसे आप ऐसे लिख दें, ये हो गया 9। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे आप ये ऐसे बना दें, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बना दिया, तो ये भी 9 हो गया। लेकिन अगर ऐसे आप नहीं बना पाएंगे, जैसे ऐसे नहीं बना पाएंगे, तो आप सीधा ऐसे बना दें, ये हो गया आपका 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये 10, तो 10 एक हम ऐसे लिखते हैं, इसी में हमने 0 डाल दिया, तो ये हो गया 10। तो इस तरीके के जितना भी ये इस तरीके का आप लिखेंगे, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब मुझे 11 लिखना है हिंदी में। अब मुझे क्या लिखना है, 11 लिखना है हिंदी में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे देखिए, ये 1 ऐसे लिख दिया, ये 1 लिख लिया, तो ये 11 हो गया। ये 99 नहीं है, ये 11 है, ये हिंदी में लिखते हैं। मुझे 88 यानी 88 लिखना है, तो हमें देखो यहाँ पे है 88 है, तो ये 8 प्लस 8, ये हो गया 88, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगर मुझे 86 लिखना है, तो ये 8 और ये 6 ये है, तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, तो ये हो गया 86। अब मुझे है ना 67 लिखना है, 76 लिखना है, तो ये हमारा हो गया 6 और ये हो गया, ये हमारा हो गया 7 और ये 6, ये हो गया हमारा 76, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको ये नंबर्स हो गए, मैं आपको बताता हूँ, आप लिखिए 14 लिख के दिखाइए, तो कहोगे जी ये 14, ये 14, इस तरीके लिखे। अब मैं कहूँ हिंदी में लिखो, तो हिंदी में कैसे लिखेंगे, 1 तो ऐसे लिख देंगे, यानी 9 की तरह 1, 4 कैसे लिखेंगे, ये है 4, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो 4, तो ये आ गया आपका 14, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख के दिखाइए 84, क्या लिखना है 84, तो आप 84 ऐसे लिखोगे इंग्लिश में, लेकिन आप इसको 84 को हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखो 8 यहाँ पे है, तो 8 लिख लेते हैं पहले, तो ये हमने 8 लिख लिया। अब हम 4 लिखेंगे, 4 ये है, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो, ये हो गया 84, 8 मीन्स आप 84 ऐसे लिखेंगे, ये हो गया 8 और ये हो गया 4। अब आप लिखना है 99, तो आप ऐसे लिखोगे 9 और फिर यहाँ पे ऐसे लिखोगे 9, तो ये हो गया 99, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
ये क्या हो गया आपका 99। अब मुझे लिखना है 44। तो 44 आप हिंदी में कैसे लिखोगे, इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में लिखोगे तो ये हो गया आपका 44। ये डबल आर लिख देंगे तो वो हो जाएगा 44। ठीक है, आप हिंदी में 44 कैसे लिखेंगे, डबल आर, यानी कि ये डबल आर लिख दिया तो 44 हो गया। अब मुझे लिखना है 64। क्या लिखना है, 64। तो यहाँ पे देखो पहले 6 लिखेंगे, 6 ये है, 6 ये है, तो ये हो गया 64। कैसे लिखते हैं, आर की तरह ये लिख दिया, तो ये वाला नंबर हो गया हमारा 64। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और मैं आपको एक दो आप बताइए यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे मुझे बताइए, ये मैं नंबर कुछ लिखता हूँ, आप हमें बताएंगे कितना लिखा है, ये बताइए आप ये कितना लिखा है, आप फटाफट आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा, ये 5 है, ये 4 नहीं है, ये 5 है, 5, और ये जो वाला है ना आर, ये 4 है, तो ये हो जाएगा 54। यानी कि आपका ये वाला जो नंबर है क्या हो जाएगा, 54। ठीक है, और आप बताइए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे आप बताइए, ये मैं लिखता हूँ, देखिए ये लिखा है मैंने, आप बताइए कितना नंबर लिखा है, तो ये आप बताइए कितना लिखा है, ये तो कहोगे ये वाला यहाँ पे देखिए ये क्या है, 7 है, ये है 7, और ये वाला क्या है 9, तो क्या हो गया 79, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं 79। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे हिंदी नंबर और ये हो गए इंग्लिश नंबर, आप इसे घर पे प्रैक्टिस करेंगे कॉपी में। अब चलिए मैं आपको रोमन नंबर भी इसी में बता ही देता हूँ। ठीक है, तो आपको मैं रोमन नंबर भी इसमें बता देता हूँ, ये रोमन नंबर देखिए, रोमन नंबर एक को ऐसे लिखते हैं एक, और ये रोमन नंबर दो, इसमें तीन लाइन खींच देंगे 3, और इसमें एक लाइन प्लस ऐसे खींच देंगे तो ये 4, और इसमें एक ऐसे कर देंगे ये 5, और ये 5 में एक लाइन खींच देंगे तो 6, और ये हो जाएगा हमारा 7, और ये यहाँ पे हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा हमारा 9, और ये हो जाएगा हमारा 10। तो ये सारे कौन से नंबर है, ये है रोमन नंबर, ये है हिंदी नंबर, और ये है हमारे इंग्लिश नंबर। तो डियर फ्रेंड्स, ये 3 प्रकार के नंबर्स होते हैं जो आज हमने 10 तक सीखा है। ठीक है, आप इसे घर पे प्रैक्टिस करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल ही कर ही लेना है। थैंक यू।